आयोजन होते हैं, लेकिन इस विधानसभा के अंदर हमने एक बात तय कर रखी कि धार्मिक आस्था तो करेंगे लेकिन धर्म के साथ कुवड़ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे ही धर्म की गंगा यहां पर बहनी चाहिए और जो सनातनी परंपरा को मानते हैं ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन इस विधानसभा के अंदर हमने एक बात तय कर रखी कि धार्मिक आस्था तो करेंगे लेकिन धर्म के साथ कुवड़ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे ही धर्म की गंगा यहां पर बहनी चाहिए और जो सनातनी परंपरा को मानते हैं वही गरबा के अंदर प्रवेश करेंगे, और जो सनातनी परंपरा को नहीं मानते, जो इस गरबा में सिर्फ उत्सव और बाकी आनंद के लिए पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो सारे लोग अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारी ये जो गरबा है ये बेसिकली माता की आराधना का ही प्रतीक है। ये कोई अलग प्रकार का इवेंट नहीं, ये हमारी सनातनी परंपरा से चला आ रहा है कि माता की पूजन का एक तरीका गरबा भी। इसीलिए इस पूरी विधानसभा के अंदर प्रशासन को भी साफ तौर पर इस बात का निर्देश है कि सबको उत्साह के साथ अपने कार्यक्रम का आयोजन करने दें, और कहीं पर भी न्यूसेंस करने वाले लोग यदि गरबा में पहुंचते हैं तो उनकी कड़ी प्रतिक्रिया दी जाए और उन पर कार्यवाही भी करनी चाहिए। आप सहमत हैं मेरी बात से? जरा सहमत है तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए दुर्गा मैया की। तो इसलिए ऊपर और कानून व्यवस्था भी संभालेंगे ये कहा जाए। देखिए, विधायक की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख विकास के काम के साथ साथ उनकी सुरक्षा की भी है, उनकी धार्मिक आस्थाएं मानने की भी है। अभी आपको ध्यान होगा हमने जैन कल्याण बोर्ड के लिए जो मैंने बात कही थी अपने मैनिफेस्टो के अंदर उसकी हमने घोषणा भी की है, और साथ में मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर और कैबिनेट से भी उसको पारित कर दिया है। ऐसे ही विभिन्न समाज मेरे यहाँ इस पूरे विधानसभा में रहते हैं, तो उन मान्यताओं को और हिंदू समाज की मान्यताओं को भी व्यवस्थित रूप से चलाना और साथ में उन संस्कारों को और उनकी सुरक्षा देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए विधायक होने के नाते मैं इस क्षेत्र में हिंदू मान्यताएं जो चल रही उसके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, साफ तौर पर निर्देशित किया गया है। मतलब आपने कुछ ऐसा माहौल देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, गड़बड़ियां हैं तभी तो आप शांति समिति की बैठकों में जा रहे हैं और कड़े एक्शन लेने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा कई बार गर्भों के अंदर कुछ लोग उसे एक इवेंट समझकर और एक एंजॉयमेंट के नाते वहां पर प्रवेश कर जाते हैं, उनकी मान्यताएं वहां पर नहीं रहती हैं, लेकिन वो सिर्फ वहां पर आते हैं और उसके कारण न्यूसेंस देखने को मिलता है। लेकिन ये न्यूसेंस मैं उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर बर्दाश्त नहीं करूंगा, और साथ ही चाहे वो कोई भी समाज, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनकी अपनी आस्थाएं, उनके साथ हम हैं, लेकिन वर्तमान में ये दुर्गोत्सव का समिति का है, ये हिंदू मान्यताओं का त्यौहार है, इसलिए जो इसे मानता है वही इस त्यौहार में आए, अन्यथा आप यदि उपद्रवी बनकर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो कड़ी से कड़ी